देखिए, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते कि माननीय मंत्री जी कब आए और उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मैं नहीं था। अब उनके वादे को पूरा न करने के लिए जवाबदेह वो हैं, हम उस पर क्या कहें। अफसोस की बात है कि कल ही देखिए, अभी भवानी नंदन यति जी महाराज ने कहा कि सभी पुनीत कार्यों से भी ऊपर है राष्ट्र भक्ति, और राष्ट्र की रक्षा में जो बलिदान देते हैं उन शहीदों की याद में सबसे पहले उनकी स्थापना होनी चाहिए, उसके बाद कोई मंदिर है और कोई काम होना चाहिए पहली प्राथमिकता। सर, प्रदेश में जो रोडें हैं उनके काफ़ी खस्ता हाल हैं। जंगीपुर विधानसभा की सड़कों को आपने देखा होगा, इस पर आपका क्या कहना है? अब जोगी जी तो कहते हैं कि पूरे प्रदेश में चकाचक सड़क है, गड्ढा मुक्त सड़क है, धरातल पर जनता देख रही है कुछ। ये लोग जो प्रेस में बोलते हैं, आप लोगों के माध्यम से, टीवी और अखबार के माध्यम से, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई तकलीफ है ही नहीं, सब सुखी सुख बीत रहा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आज जो बेरोजगारी है, बढ़ी हुई महंगाई है, जिस तरह से एक आम आदमी का जीवन कष्टदायक हो गया, भ्रष्टाचार इतना है कि खुलेआम घूस लिए बगैर कोई काम भी नहीं हो सकता, हर क्षेत्र में सरकार विफल है, 250 रुपये लीटर सरसों का तेल है, गैस का सिलेंडर फ्री कह करके दिया और 1000 रुपया अब लग रहा है उसको भरवाने के लिए, कोई गरीब भरवा नहीं पा रहा। पहले जो पेंशन मिलती थी गरीबों को, वृद्ध लोगों को, विधवाओं को, पेंशन बंद कर दी गई। हर तरह की असुविधा, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को, सरकार की संपदा को यह लोग रोज बेच रहे हैं। गांव घर में ये कहा जाता है कि कितना कामयाब है कोई वारिस, उसकी पहचान ये है कि उसने अपने पूर्वजों द्वारा बनाई गई धरोहर को कितना सजो कर रखा। उस पूत को क्या कहा जाएगा जो अपने तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन पूर्वजों के समय से जो बना हुआ है उसको वो लगातार बेच रहा। एयर इंडिया बेच दिया, रेल बेच रहे हैं, सड़कें बिक रही हैं, LIC का शेयर बेच दिया, क्या बचा? तैयारी है BSNL को, MTNL को बेचने की, तमाम स्कूलों के को प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। उनकी ये सोच है, ये सरकार दिल्ली की हो या लखनऊ की, कि सरकार के माध्यम से जो कार्य, कल कारखाना या जो भी व्यवस्था, जो भी विकास का कार्य हो रहा, सब में बहुत कमी है। और बिरला टाटा, डालमिया सिंघानिया, धीरू भाई अंबानी और छदन लाल मदन लाल जितने देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, यह जो काम कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सोच का फर्क है। इसलिए सरकारी उन कंपनियों को जो इन्होंने बनाया तो नहीं, बेच रहे हैं। 50 साल के लिए डालमिया को बंधक रख दिया लाल किला, जिस लाल किले पर 15 अगस्त को हमारा प्रधानमंत्री झंडा फहराता है गर्व के साथ, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वह लाल किला आज उसमें प्रवेश करने के लिए डालमिया के एजेंट से टिकट कटवाना पड़ेगा।